हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी ट्यूटोरियल। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं यूरेसेंस लेमा। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टोपोलॉजी के लिए। और चलिए इसके स्टेटमेंट को पहले समझते हैं, फिर इसको समझते हैं कैसे हम लोग इसको प्रूफ करें। अगर कोई F1 और F2 को डिसजॉइंट क्लोज सबसेट, क्या डिसजॉइंट, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई, क्लोज सबसेट मिल जाए किसमें, नॉर्मल टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ में, तब देन देयर एग्जिस्ट कंटिन्यूस मैपिंग F, ये मैपिंग F जो है ये एग्जिस्ट करेगी किसमें, नॉर्मल टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ में। इस तरह से जब हम F ऑफ F1 लेंगे तो वो जाएगी जीरो पे, और जब F ऑफ F2 लेंगे वो जाएगी किसमें, सिंगलटन सेट 1 में, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा डायग्राम से समझाती हूँ। थोड़ा ये वीडियो लेंथी होगा, बट कोई बात नहीं, हम लोग अच्छे से समझेंगे। ये हम एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लेते हैं और इसका हम लोग नाम क्या दे देते हैं, एक्स टाउ, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे एक क्लोज्ड डिसजॉइंट सबसेट ले लेते हैं, यानी कि डिसजॉइंट इनमें कुछ कॉमन नहीं है। ये हो गया हमारा F1, ये हो गया हमारा F2, ठीक है। और ये कैसा है, एक नॉर्मल टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, एक नॉर्मल टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो हम लोग इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले तो हम लोग दिखाएंगे कि ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो क्या है, नॉर्मल, ठीक है, इफ एंड ओनली एफ है। यहाँ सबसे पहले हमें यहाँ दिखाना है कि ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स टाउ, ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। और दूसरे में क्या दिखाना है, इफ एंड ओनली इफ में, कि अगर F1 और F2 डिसजॉइंट क्लोज सबसेट है किसमें, नॉर्मल टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ में, तब यहाँ पे एक कंटिन्यूस मैपिंग, एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगी जो इस तरह से रिजल्ट देगी, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग इसका पहला पार्ट करेंगे, फिर इसका कन्वर्स वाला पार्ट करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है, थोड़ा लेंदी होगा। तो सबसे पहले हमने क्या देख करना है, इस टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ को क्या दिखाना है, कि वो नॉर्मल है। और हमें गिवन क्या क्या है, कि एक्स टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है ऑफकोर्स, जो कि गिवन है। और F1 और F2 क्या है, डिसजॉइंट क्लोज सबसेट है, यानी कि F1 और F2 का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, फाई है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तब हमें दिखाना है। और यहाँ पे एक मैपिंग भी है, कंटिन्यूस मैपिंग है, इस तरह का कोई फंक्शन डिफाइन है जो कि इस तरह का रिजल्ट देता है, जब F ऑफ F1 लेते हैं तो 0 पे जाता है और F ऑफ F2 लेते हैं तो 1 पे जाता है, ठीक है। इसके हेल्प से हमें दिखाना नॉर्मल। तो सबसे पहले याद करिए कि नॉर्मल टोपोलॉजिकल स्पेस कहते किसको है। किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ को नॉर्मल तब कहेंगे जब वहाँ पे कोई भी एक दो पेयर ले लीजिए किसका, डिसजॉइंट क्लोज सबसेट का। इसी टोपोलॉजिकल स्पेस में कोई भी दो डिसजॉइंट क्लोज सबसेट लाई करेगा, मान लीजिए F1 और F2, और अगर उसके लिए ओपन सबसेट एग्जिस्ट करे G1 एंड G2, क्या मैंने बोला, एक ओपन सबसेट एग्जिस्ट करे G1 एंड G2 जो कि कंटेन करता हो F1 एंड F2 रेस्पेक्टिवली। क्या मैंने बोला, इस टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ में दो F1 और F2 कोई भी दो पेयर ले लें डिसजॉइंट क्लोज सबसेट, ठीक है, वो किस पे लाई करे, G1 और G2, वो कैसा सबसेट है, ओपन सबसेट है, वो भी क्या है, डिसजॉइंट है, कुछ कॉमन नहीं है। इसको मान लेते हैं G1, इसको मान लेते हैं G2, यानी कि F1 किस में कंटेन है, G1 में, और F2 किस में कंटेन है, G2 में। और F1 इंटरसेक्शन F2 क्या है, फाई है, और G1 इंटरसेक्शन G2 क्या है, फाई है, तब हम इस टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ को क्या बोलेंगे, वो नॉर्मल है, ठीक है। तो इसी के हेल्प से हमें बेसिकली क्या दिखाना है, यहाँ पर G1 G2 डिसजॉइंट ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा किसके लिए, F1 F2 के लिए रेस्पेक्टिवली, जो जिसमें F1 और F2 कंटेन होगा, ये चीज़ हमें दिखाना। तो हम बोल सकते हैं एक्स टाउ क्या है, नॉर्मल टोपोलॉजिकल स्पेस। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, पहले लिखते हैं कि क्या क्या गिवन है, ठीक है, स्ट्रक्चर समझ गए। तो चलिए प्रूफ साथ साथ में लिखेंगे, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है प्रूफ। लेट क्या कर लेंगे, एक्स टाउ क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। हम लोग पहले एक नॉर्मल इसको टोपोलॉजिकल स्पेस लेके चलेंगे, बाद में इसको नॉर्मल प्रूफ कर देंगे, ठीक है। एक्स टाउ भी है टोपोलॉजिकल स्पेस, एंड ईच पेयर, कोई भी पेयर ऑफ डिसजॉइंट क्लोज्ड सेट्स ऑफ F1 एंड F2 किसका है, ये क्लोज सबसेट,
एक्स का, देन देयर एग्जिस्ट फंक्शन, देयर एग्जिस्ट दिस इज द सिंबल फॉर देयर एग्जिस्ट फंक्शन स्मॉल f, कहाँ से कैपिटल x से कहाँ लाइक कर रहा है, क्लोज इंटरवल 0-1 पे, जो कि हमें स्टेटमेंट में गिवन है। इस तरह से ये मैपिंग है, कंटिन्यूस मैपिंग। अगर हम लोग f ऑफ कैपिटल F1 ले, यानी कि वन ऑफ द क्लोज सेट ऑफ x, तो वो किस पे जाएगा, सिंगलटन सेट 0 पे, और अगर F2 ले तो किस पे जाएगा, सिंगलटन सेट 1 पे। ये हमें गिवन है। इतना पहले हम लोग क्या यहाँ देख रहे हैं, हमें यहाँ गिवन है एक मैपिंग। इसके इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम लोग ये दिखाएंगे कि G1 G2 एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि कंटेन करता है F1 और F2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, और उसका इंटरसेक्शन क्या है, फाई है, मतलब ये दोनों ओपन सेट क्या है, डिसजॉइंट है। तो यहाँ क्योंकि दिया हुआ है कि F कंटिन्यूस फंक्शन है, यहाँ गिवन है कि F एक कंटिन्यूस फंक्शन है, यानी कि F का जो इन्वर्स होगा वो भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो अगर हम दिखा दें कि क्लोज इंटरवल 0-1 में एक ओपन इंटरवल ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो कि F1 और F2 को कंटेन करता है, ठीक है, तो यानी कि इन्वर्स फंक्शन हम ये भी दिखा सकते हैं कि वो x पे भी रहेगा, अगर वो इस पे ओपन है, यानी कि वो x पर भी ओपन है इन्वर्स फंक्शन से, ठीक है। तो हमें बेसिकली तो यही दिखाना है कि x पे एक G1 G2 ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा, जो कि कंटेन करेगा F1 और F2 क्लोज सबसेट को, ठीक है। तब हम इस टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ को नॉर्मल बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक क्लोज इंटरवल में 0-1 में दो ओपन इंटरवल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ओपन इंटरवल क्या लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 1/2 एंड 1/2 से प्लस इन्फिनिटी। अब आप बोलोगे मैंने हाफ हाफ ही यहाँ क्यों लिखा, एक प्रूफ करने का तरीका भी होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ क्या ले रहे हैं, 0 से 1 इंटरवल, तो इसके बीच का ही कुछ लेंगे ओपन इंटरवल। तो मैंने 1/2 ले लिया, दो इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी से हाफ कर लिया, हाफ से प्लस इन्फिनिटी कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी क्या है, ओपन सबसेट ऑफ रियल नंबर आर, रियल नंबर आर के अंदर ही तो आया ना क्लोज इंटरवल 0-1 भी, किस में, रियल लाइन में है, इसी का कोई ओपन सबसेट है ये दोनों, ठीक है। देन अब क्योंकि हमको कहीं ना कहीं इस जो ओपन सबसेट को लिए हैं, इसका कनेक्शन किससे दिखाना, इस क्लोज इंटरवल 0-1 से दिखाना है, ठीक है, जो इसमें लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि 0-1 क्लोज इंटरवल जो है उसे माइनस इन्फिनिटी 1/2 तो लाई नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, माइनस इन्फिनिटी तो इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो हम लोग अगर इस ओपन इंटरवल का इससे इंटरसेक्शन ले ले और इसका इससे इंटरसेक्शन ले ले, तो हमें वो एक कॉमन एलिमेंट मिल जाएगा, एक सेट मिल जाएगा जो कि इस क्लोज इंटरवल में लाई करेगा, जिसको हमें क्या दिखाना है, ओपन दिखाना है, और इनवर्स में दिखाना है कि एक्स में वो ओपन है, ठीक है। चलिए तो अगर माइनस इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल, इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी 1/2 ओपन इंटरवल जो उसका इंटरसेक्शन किससे ले लेंगे, क्लोज इंटरवल 0-1 से, तो क्या आएगा, 0 किस पे आएगा, माइनस इन्फिनिटी से हाफ लेंगे तो इसमें भी 0 आएगा, यानी कि 0 तो आएगा, तो क्लोज इंटरवल, और ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट हाफ तक जाएगा, कि इसमें तो 1 है नहीं बट इसमें 1 है, तो इसमें हाफ, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा ओपन, क्योंकि यहाँ पे हाफ है नहीं, ओपन इंटरवल मतलब हाफ इसमें नहीं है, इसके बीच का, ठीक है। चलिए इसी तरह हम लोग लेंगे ओपन इंटरवल 1/2 प्लस इन्फिनिटी, इसका इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 0-1 से। अब आप ही बताइए खुद से करके, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 1/2 से इन्फिनिटी है, ठीक है, तो इसमें 1/2 है कॉमन, हाँ है, ओपन इंटरवल हमेशा रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी ओपन है, इसमें 1/2 है नहीं, ठीक है, तो इसके इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा, और कहाँ तक ये जा सकता है, 1/2 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और हाफ के बीच में 1 आता है, तो ये 1 तक जाएगा, क्लोज होगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, इंटरसेक्शन में भी आएगा। चलिए अब मान लेते हैं ये जो दोनों है वो क्या है, आर बेस एलिमेंट ऑफ कैपिटल आर, इंटरसेक्शन क्लोज, इसका भी क्लोज इंटरवल ले लेते हैं, इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो ये क्या आएगा, पूरे रियल लाइन में और क्लोज इंटरवल 0-1 का इंटरसेक्शन ले तो फिर से क्लोज इंटरवल 0-1 ही आएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा, ये जो दोनों एलिमेंट है, ये जो हमारा ओपन सेट है, ये जो हमारा ओपन इंटरवल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी बेस एलिमेंट हो जाएगा रियल नंबर आर का। नाउ देन
हम लोग मान लेते हैं, इसको नेम कर देते हैं G1। G1 को क्या लिख देते हैं, F इनवर्स 0 1/2, एंड G2 को क्या लिख देते हैं, F इनवर्स 1/2 क्लोज इंटरवल 1। ठीक है, हम लोग G1 मान लेते हैं ओपन सेट, जो कि हो क्या हो जाएगा, F इनवर्स क्लोज इंटरवल 0 1/2 और G2 F इनवर्स 1/2 1। ठीक है, ऐसे मैंने इसको नाम दे दिया इनवर्स फंक्शन के लिए, यानी कि ये एक्स पे लाई करेगा। ठीक है, ये वाला सबसेट किसके लिए लिख रहे थे, क्लोज इंटरवल 0 1। अभी F इनवर्स मैंने लगा दिया इस पे, तो ये किस पे लाई कर रहा, टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स पे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग क्लेम कर रहे हैं, नाउ वी क्लेम डैट, क्या क्लेम कर रहे हैं कि ये G1 और G2 क्या चाहिए हमें, ओपन चाहिए, आर ओपन, और क्या चाहिए, डिसजॉइंट चाहिए, दोनों डिसजॉइंट ओपन सेट होना चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए, ये क्लोज सेट सबसेट जो है एक्स का उसको कंटेन करना चाहिए रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमने क्लेम किया है, चलिए इसको प्रूफ भी करके दिखा देते हैं। मान लेते हैं जो F1 है उसमें एक एलिमेंट, चलिए मान लेते हैं A एक एलिमेंट मिल जाता है F1 क्लोज सबसेट ऑफ X में। ठीक है, इसका मतलब अगर F1 में क्लोज सबसेट में एक एलिमेंट मिलेगा, यानी कि जब हम उसका मैप ही निकालेंगे, जब F ऑफ F1 ले रहे थे वो किस पे जा रहा था, 0 पे, तो F ऑफ A लेंगे तो किस पे जाएगा, क्योंकि F1 का ही एलिमेंट है A, तो किस पे जाएगा F ऑफ A, 0 पे। 0 किस पे बिलोंग कर रहा है, देखिए तो इन दोनों में 0 किस में बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल 0 1/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या लिख सकते हैं, ए किस पे बिलोंग कर रहा है, एफ इनवर्स ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1/2, इनवर्स फंक्शन से ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या मान के रखे हैं यहाँ पे, G1, तो ये G1 में बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसी तरह एक ए एलिमेंट लिए जो F1 का है, अगर वो G1 में बिलोंग कर रहा, उसी तरह पूरा F1 क्या करेगा, अगर A इस पे बिलोंग करा G1 में, तो इस तरह से बोलते हैं जो क्लोज सबसेट F1 है वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। इसी तरह से हम F2 के लिए दिखाएंगे, और यहाँ पे आप रीज़न लिख सकते हैं, F ऑफ A इसको शो 0 क्यों होगा, सिंस F ऑफ F1 जब लेंगे तो मैपिंग हमें गिवन है कि वो सिंगलटन सेट 0 पे जाएगा। सिमिलरली हम लोग इसके लिए दिखा देंगे, ठीक है, आराम से समझेंगे इसको, बी इसी तरह बिलोंग कर रहा है क्लोज सबसेट F2 पे, देन F ऑफ B लेंगे तो वो किस पे जाएगा, सिंगलटन सेट 1 में, क्योंकि हमें गिवन है कि कंटिन्यूस फंक्शन हम एक मैपिंग बनाए थे जिसमें F ऑफ F2 जब ले रहे थे वो सिंगलटन सेट 1 में जा रहा था, स्टेटमेंट में हमें गिवन है ये। ठीक है, तब क्या लिख सकते हैं कि B किस पे बिलोंग करेगा, अच्छा ये किस पे बिलोंग करेगा, हाफ क्लोज इंटरवल 1, ये किस पे बिलोंग करेगा, B F इनवर्स ओपन इंटरवल हाफ क्लोज इंटरवल 1। ठीक है, यानी कि B किस में बिलोंग करेगा, इसको हम लोग क्या माने थे, G2। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, कुछ भी न्यू नहीं लिख रही हूँ मैं, G2 पे, अगर B G2 में बिलोंग करा तो कह सकते हैं F2 किस में कंटेन है, G2 पे। तो चलिए हमने एक जो क्लेम किया था ये इसमें कंटेन कर रहा, वो तो पूरा हो गया, दूसरा क्या दिखा दें कि ये दोनों डिसजॉइंट है, ये दोनों डिसजॉइंट है, ये दिखा देंगे तो फिर तो कंप्लीट ही हो गया हमारा सब। नाउ अगर हम अब दिखाना, नाउ G1 0 5 प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, प्रूफ डैट ये 5 होगा। चलिए हम लोग क्या लिख लेते हैं कि G1 इंटरसेक्शन G2 क्या लिख सकते हैं, G1 को हमने क्या माना था, F इनवर्स क्लोज इंटरवल 0 1/2 इंटरसेक्शन F इनवर्स 1/2 1, ये तो हमने माना था G1 और G2 को, वहीं लिख दिया मैंने। अब दोनों इंटरवल में देखिए, ये है 0 से 1/2 जा रहा है, ये 1/2 से 1 जा रहा है, और हाफ दोनों में है नहीं, ओपन इंटरवल है यहाँ, तो इसमें हाफ तो नहीं है, इसके बीच का एलिमेंट है, इसमें भी हाफ नहीं है, तो क्या कुछ कॉमन है एलिमेंट इसमें, नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, एफ इनवर्स ऑफ 5 क्या हो जाता है, अगेन 5। तो हमने यहाँ क्लियरली प्रूफ कर दिया है कि जो ये G1 और G2 का इंटरसेक्शन वो क्या है, 5 है, यानी कि ये दोनों सेट क्या है, डिसजॉइंट है। ठीक है, ये दोनों सेट क्या है, डिसजॉइंट है, और यहाँ से
और यहाँ से हमने ये भी प्रूफ कर दिया था कि G1 और G2 क्या है, ओपन है। G1 और G2 क्या है, ओपन है। तो हमें नॉर्मल टॉपोलॉजिकल स्पेस प्रूफ करने के लिए बस इतना ही चाहिए था। सो नाउ G1 एंड G2 आर ओपन सेट ऑफ एक्स टाउ, देन एक्स टाउ इज नॉर्मल टॉपोलॉजिकल स्पेस। ओके, चलिए अब इसके कन्वर्स को समझते हैं। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ वीडियो भी लेंदी ना हो और आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाए। ठीक है, पर आपको स्टेप्स बिल्कुल ऐसे ही लिखना अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, मैं स्टेटमेंट निकाल दी कि F1 F2 कोई डिसजॉइंट क्लोज सबसेट है और अगर मैपिंग को एग्जिस्ट करता है स्मॉल f जो कि लाइक करता है क्लोज इंटरवल 0-1 के बीच, और इसका मैपिंग का रिजल्ट ये है, तो हमने दिखाया कि वो टॉपोलॉजिकल स्पेस क्या हो जाएगा, नॉर्मल। अब हम दिखाएंगे, अब इफ एंड ओनली इफ है, अब आपको गिवन है कि ठीक है अब आपका टॉपोलॉजिकल स्पेस नॉर्मल है वो हमें पता है। ठीक है, F1 और F2 डिसजॉइंट क्लोज सबसेट है नॉर्मल टॉपोलॉजिकल स्पेस में, ये भी पता, वो क्या डिसजॉइंट है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे सही में एक कंटिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा इस तरह का जो इस टाइप का रिजल्ट देगा। जब एफ ऑफ F1 लेंगे तो 0 देगा और F1 F2 देंगे तो सिंगलटन से 1 देगा। ठीक है, अब उल्टा करना है सर। कन्वर्स में आपको क्या क्या गिवन है ये लिखेंगे, लेट क्या कर लेंगे, एक्स टाउ क्या है, अब मान के चल रहे कि वो नॉर्मल है टोपोलॉजिकल स्पेस, एंड F1 और F2 क्या है, आर क्लोज्ड सबसेट है किसका, एक्स का। ठीक है, इस तरह से कि वो दोनों का इंटरसेक्शन जब लेंगे तो वो फाई है, यानी कि डिसजॉइंट है, जो कि स्टेटमेंट में गिवन है कि ठीक है नॉर्मल है, और F1 F2 हमने क्या लिया था, दो क्लोज सबसेट लिया था एक्स का, जो जिसका इंटरसेक्शन फाई है यानी कि डिसजॉइंट है। चल, एक थ्योरम हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एक्स का कोई भी टॉपोलॉजिकल स्पेस होगा वो नॉर्मल कब होगा, अगर F1 कोई क्लोज सबसेट है और क्या है G1 कोई ओपन सबसेट है जो कि F1 को कंटेन कर रहा है, तब एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा जो कि इस तरह से होगा। सपोज डैट हमने यहाँ ले लिया क्या P ले लिया, तो इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि F1 सबसेट हो जाएगा उस P का, P सबसेट हो जाएगा P क्लोजर का, और ये सबसेट हो जाएगा G1 का। ठीक है, ये हमने एक थ्योरम में पढ़ा, इसी थ्योरम के हेल्प से हम लोग यहाँ पे कुछ फाइंड आउट करते हैं, ग्राउंड बनाते हैं किस लिए, एक मैपिंग को कंटिन्यूस दिखाने के लिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी में से हमें सब कुछ करना है, तो हमारे पास इतना इन्फॉर्मेशन है तो हम लोग इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसके हेल्प से कंटिन्यूस दिखा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं F1 इंटरसेक्शन जब F2 ले रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, फाई। इसका मतलब क्या है, F1 ना F2 पे कंटेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं F1 F2 में तो कंटेन नहीं हो रहा है, ये इसका सबसेट नहीं है, तभी ना दोनों के बीच कुछ कॉमन नहीं है। यानी कि ये बोल सकते हैं कि F1 अगर F2 में नहीं है तो यानी कि F1 F2 के कॉम्प्लीमेंट में है। कॉम्प्लीमेंट में है क्या मतलब होता है, जैसे भी कोई सेट लिए हैं, यूनिवर्सल सेट कोई भी ले लीजिए, इसमें कुछ हम लोग ले लिए हैं F2 और ये ले लिए हैं F1। ठीक है, अगर ये वाला सेट F2 में नहीं है तो F2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसके बाहर वाला सारा, इसके बाहर में जितना आता है, तो अगर F2 में नहीं है F1 तो यानी कि इसके बाहर में जितना रेस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट बचा उसमें F1 है। यानी कि ये बोल सकते हैं F1 अगर F2 में नहीं है उसका सबसेट नहीं है, यानी कि F2 के कॉम्प्लीमेंट में है। ये तो बहुत ही बेसिक नॉलेज है सेट थ्योरी का। ठीक है, हमने पहले भी 11-12 में ये सब पढ़ चुके हैं और बहुत ही आगे आ चुके हैं, ये सब बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस तरह से अभी हम लोग इसको नेम दे देते हैं। मान लेते हैं कि F1 को हमने G0 बोल दिया, G0 जो भी आप बोलिए, और F2 के कॉम्प्लीमेंट को हमने क्या नाम दे दिया, G1। अब अगर नेम जैसे चेंज किया उस तरह से लिख भी लीजिए, F1 किसका सबसेट है, F2 के कॉम्प्लीमेंट यानी कि G1 का, करेक्ट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं F1 कैसा सेट था, F1 क्या था, क्लोज्ड सबसेट है किसका, X का। तो G0 इसी का नाम है F1 का, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्लोज। G1 क्या है, G1 क्या ओपन सबसेट है जो कि F1 को कंटेन कर रहा है, या F2 क्या बोलिए, F2 क्या था, F1 F2 दोनों क्लोज था, F2 अगर क्लोज था तो उसका जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या हो जाता, ओपन।
इसी कॉम्प्लीमेंट का नाम जी1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन। अब जो मैंने थ्योरम बताया जिसका हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं, कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ है जो कि नॉर्मल है, और F1 F2 क्या है, क्लोज सबसेट है, ठीक है, और G1 क्या है, G1 G2 कोई ओपन सबसेट है। तो यहाँ पे इस सारे कंडीशन के बीच में कोई भी एक ओपन सबसेट लाई करेगा किसके बीच, G0 G1 के बीच, जो कि जो सबसेट होगा इस तरह से, यानी कि क्या हो जाएगा, G0 सबसेट हो जाएगा किसका, बीच में इन दोनों के, सपोज डेट 0 1 मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ एक इंटरवल जो हमने मैपिंग वहाँ पे ड्रॉ किया वो क्या है, क्लोज इंटरवल 0 1। चलिए इसके बीच में कुछ ले लेते हैं नंबर, तो G1/2 ले लेते हैं, G1/2 में ये कंटेन करेगा G1/2 का क्लोजर में, और G1/2 का क्लोजर किस में कंटेन करेगा, G1 में। इस तरह से हमें मिलेगा, ये हमें थ्योरम से पता है डायरेक्टली, ठीक है। तो चलिए इसी थ्योरम के बेसिस पे हम लिख देते हैं यहाँ पे, या फिर मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, ए नॉर्मल टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ, सॉरी, ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट क्लोज सबसेट एफ ऑफ एक्स एंड ओपन सबसेट जी ऑफ एक्स, सच डैट एफ किस में कंटेन कर जाए, उस ओपन सेट जी में, देन देयर एग्जिस्ट ओपन सेट, यहाँ पे एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा एच मान लीजिए, सच डैट इस तरह से कि एफ कंटेन करेगा एच पे, एच कंटेन होगा अपने ही क्लोज़र पे, और क्लोज़र किस में कंटेन होगा, जी पे, ठीक है। इसके हेल्प से हम आगे का लाइन लिखने वाले हैं, तो इसी को कंफ्यूज नहीं होगा होइएगा, इसलिए मैंने स्टेटमेंट लिख दिया यहाँ पे। चलिए चलिए, बट G0 इज सबसेट ऑफ G1, सो देयर एग्जिस्ट ओपन सेट G1/2। G1/2 मैंने क्यों लिया, क्योंकि इंटरवल 0 1 पे काम कर रहे, तो मैंने बीच का एक एलिमेंट ले लिया G1/2 रैंडमली, ठीक है। इस तरह से सच डैट G0 किसका सबसेट हो जाएगा, G1/2 का, कोई भी सेट अपने क्लोजर का सबसेट होता है, ठीक है, और ये सबसेट हो जाएगा G1 का, ठीक है। चलिए इसको हम लोग नंबर दे देते हैं, क्या 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप गौर करें, चलिए इन दोनों को पहले गौर करते हैं, G0 क्या है, G0 किसका नाम दिए थे, F1 का, F1 क्या था, क्लोज, G1/2 क्या है, फिर मैंने क्या बोला, ओपन सबसेट लाइक करा है, यानी कि ये क्लोज है और ये ओपन है, फिर से वही केस बन गया, एक क्लोज सबसेट एक्स का ओपन है G1/2 किस में, एक्स में, जो इसको कंटेन कर रहा है, तो इन दोनों के बीच फिर से एक ओपन सेट लाइक करेगा, जो कि किस तरह से लिखा जाएगा, चलिए फिर से रिपीट हो रहा है वो जी, इफ़ वी टेक, अगर हम लोग क्या लें, G0 सबसेट है G1 G1/2 का, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक क्या लाइक करेगा, फिर से जी सपोज डैट इन दोनों के बीच फिर ले लेते हैं, तो 1/4 ले लेते हैं, ओपन सेट G1/4 लाइक करेगा इस तरह से कि G0 सबसेट होगा G1/4, ये अपने क्लोजर का ही सबसेट होगा और ये होगा G1/2 का, कोई डाउट, इसको नंबर 2 लिख दें। अब आप इन दोनों को गौर करिए, ये क्या है, ओपन है, इसका क्लोजर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोज्ड, नाम में ही क्लोजर है, तो ये क्लोज हो जाएगा, G1 हमारा क्या था, ओपन था, फिर से सेम सिचुएशन क्रिएट हो गया, इन दोनों के बीच भी एक ओपन सेट मिलेगा, ठीक है, तो फिर से लिखते हैं, एंड इफ वी टेक G1/2 मतलब हाफ का क्लोजर, जो कि सबसेट है G1 का, ये वाला पार्ट उठा रहे हैं, इसके बीच में भी एक G3/4 लाई करेगा इस तरह से कि G1/2 का क्लोजर सबसेट किसका हो जाएगा, G3/4, ये सबसेट हो जाएगा अपने ही क्लोजर का, ये सबसेट हो जाएगा G1 का, इसको नंबर दे देंगे 3, ठीक है। रिपीटेडली एक ही मतलब एक ही स्टेप चल रहा है, कुछ डिफरेंट नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमने कर लिया है, अब इन सबको अगर एक साथ लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, फ्रॉम 1 2 3 वी हैव, हमने क्या पाया कि G0 किसका सबसेट है,
यहाँ से शुरू करें जी वन बाई फोर, तो एक साथ लिख सकते हैं जी वन बाई फोर, ये जी वन बाई फोर का क्लोज़र है, ये फिर हो जाएगा जी वन बाई फोर। जी वन बाई फोर के बाद हमने क्या लिखा, जी वन बाई फोर के बाद आता है यहाँ पे जी वन बाई टू, तो ये हो जाएगा जी वन बाई टू, ये सबसेट है जी वन बाई टू के क्लोज़र का। फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ये है जी थ्री बाई फोर, ये सबसेट है किसका, जी थ्री बाई फोर के क्लोज़र का, ये सबसेट है जी वन का। ठीक है, फाइनली तो इसको इक्वेशन क्या दे देते हैं, फोर दे देते हैं। कोई डाउट आपने, अब जैसे कि आप यहाँ नोटिस करें थोड़ा, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे ज़ीरो, वन बाई फोर, वन बाई फोर, वन बाई टू, थ्री बाई फोर, ठीक है, ये इंटरवल ज़ीरो वन के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, इसी इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हैं, डायडिक इंटरवल। ऐसा इंटरवल आर जो कि बिलोंग करे क्लीस में क्लोज इंटरवल ज़ीरो वन में, और ये आर का फॉर्म क्या होगा, ये आर किस में को नाम दिया मैंने, ज़ीरो वन बाई फोर, ये क्या है, एक आर का सेट है, ज़ीरो वन बाई फोर, वन बाई टू, थ्री बाई फोर, समथिंग लाइक डैट। ये किस फॉर्म में होगा, आर इक्वल्स टू एल अपॉन टू टू द पावर एम। ठीक है, मान लेते हैं इस फॉर्म में होगा, एल और एम क्या होगा, एल और एम एक रियल नंबर को डिफाइन कर रहा होगा, बिलोंग करता होगा, तो एल टू द पावर एम, तो सिंपली क्या होगा, ये एक डायडिक इंटरवल है, इसको बोलते हैं, इसको ज़्यादा नहीं समझना, इसको समझ लीजिए एक डायडिक इंटरवल है, इसका क्योंकि यूज़ है इसलिए आपको ये बताया गया। ठीक है, इसका भी यूज़ आएगा, तो इसको मैं शॉर्टली बता रही, इस फॉर्म में होता है आप जैसे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्या मान लेते हैं, सेट डी किस फॉर्म में है, जनरली वन बाई फोर, वन बाई टू लिखा हमने, थ्री बाई फोर लिखा, इस तरह से सेट चल रहा है। ठीक है, और ये क्या है, सिंपली ये सब आर है, तो ये आर किस पे बिलोंग कर रहा है, डी पे। ठीक है, सच डैट हम लोग इसको जनरली कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा ये कंटिन्यूसली जो मैंने यहाँ लिखा कि कंटिन्यूस ये चलते जा रहा है, ये तो चलता जाएगा ना, हर एक के बीच में मिलेगा ओपन सेट, तो इसको कैसे लिखेंगे जनरल फॉर्म में, उसके लिए मैं लिखने जा रही हूँ किस इस तरह से कि जी नॉट किसका सबसेट होगा, एक जी आर का, आर क्या होगा, डायडिक इंटरवल जो कि इस फॉर्म में होगा, एल अपॉन टू टू द पावर एम, ये किसका सपोर्ट सबसेट हो जाएगा, जी आर का क्लोजर, ये सबसेट हो जाएगा जी वन का, तो जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं हम। नाउ हमारे पास क्या है, वी हैव इस तरह से कि कोई भी एक आर ले लेते हैं, इसको लिख देते कि वो एम से छोटा होगा। ठीक है, और आर और एम क्या है, किससे बिलोंग करेगा, डायडिक इंटरवल के सेट में, सच डैट इस तरह से। चलिए इसको लिखने से पहले थोड़ा मैं समझा दूँ फिर से, जैसे कि आपने गौर किया, जैसे वन बाई फोर लिया हमने, वन बाई फोर लिया, ठीक है, वन बाई फोर छोटा है वन बाई टू से, तो ये वन बाई फोर आप देख रहे हैं पहले आ रहा है, इसका सबसेट पहले बन रहा है, जी वन बाई टू इसका सुपर सेट बन रहा है। इसी चीज़ को फॉलो करके हम पूरा लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, ये चीज़ आप नोटिस करें, जैसे वन बाई टू छोटा है थ्री बाई फोर से, थ्री वन बाई टू वाला क्या हो गया, सबसेट हो गया, थ्री बाई फोर वाला उसके बाद सुपर सेट हो गया। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग लिख रहे हैं जनरल फॉर्म में, क्या लिख रहे हैं, एक मान लेते कोई भी डायडिक इंटरवल है या फिर कोई इस टाइप के फॉर्म में है आर जो कि एम से छोटा है, तो कैसे लिखेंगे फिर, जी नॉट छोटा वाला किसका सब पहले हो जाता है, जी आर, वो किसका सबसेट हो जाएगा, अपने ही क्लोजर का, वो फिर किसका सबसेट हो जाएगा, जी एम का, फिर वो किसका सबसेट हो जाएगा, जी एम के क्लोजर का, और ये सबसेट हो जाएगा फिर से जी वन का, बहुत ही नॉर्मल। चलिए हमने इतनी बात को समझ ली है, ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई है, अब हम लोग किस पे काम करते हैं, फंक्शन एक डिफाइन करते हैं जिसको हमें क्या क्या दिखाना है, कंटिन्यूस दिखाना है। ठीक है, तो हमारा जो प्रूफ है वो कंप्लीट हो जाएगा, हम सफल हो जाएंगे जो हमें दिखाना है। चलिए हम लोग एक डिफाइन करते हैं फंक्शन, वी डिफाइन अ फंक्शन किस तरह का, एफ जो कि कैपिटल एक्स से कहाँ जा रहा है, क्लोज इंटरवल ज़ीरो वन, एंड वी हैव टू प्रूव डैट, वी हैव टू प्रूव डैट कि जब एफ ऑफ एफ वन लेंगे तो वो जाएगा सिंगलटन सेट जीरो में, एफ ऑफ एफ टू लेंगे तो वो जाएगा सिंगलटन सेट वन में। ठीक है, और हमने जो एफ डिफाइन किया फंक्शन, वो किस तरह से डिफाइन किया है, ये फंक्शन क्या देगा हमें, वन रिजल्ट देगा अगर एक्स बिलोंग नहीं कर रहा होगा जी वन में। अच्छे से समझिए, हमने एक अपने से फंक्शन डिफाइन कर लिया कि वो फंक्शन वन देगा रिजल्ट या रेंज कब,
जब हम जब एफ एक्स लेंगे, जब एक्स हम लोग यहाँ पुट करेंगे, वो जी वन में तो बिलोंग ना कर रहा हो, तब ये वन देगा आंसर, ठीक है। अगर इन्फिमम ऑफ टी एक्स बिलोंग्स टू जी टी, मैं पूरा लिख लेती हूँ फिर समझाती हूँ। इफ़ एक्स बिलोंग्स टू जी टी, इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू टी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मैम ने क्या लिख दिया मैं समझा रही हूँ। अगर x जी वन में बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या रिजल्ट मिलेगा, वन। अगर x हमारा जी टी में बिलोंग कर रहा है तो हमें क्या मिलेगा, ये जो t ले रहे हैं, ये जो t ले रहे हैं, तो हमने जैसे सपोज है टी एम ले लिया, तो एम से छोटा क्या क्या मिल रहा है, r, हो सकता है उससे छोटा s, u, v, कुछ भी मिले। उन सब का सेट लेंगे, उनमें जो इनफिमम होगा, सारे t का जो इनफिमम होगा वो रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ मैंने लिखा अगर x जी टी में तब बिलोंग करेगा इफ एंड ओनली एफ एक्स जो होगा, जो हमारा एफ एक्स आएगा, जो क्या आएगा इन्फिमम t, वो किससे छोटा हो, t से छोटा हो। जो हमने t का कलेक्शन लिया है 1/4, 1/2 इस फॉर्म में लिया है, जो भी हमारा सपोज डेट 1/2 आ गया, तो जो एफ एक्स होगा या फिर 1/2 होगा या तो उससे छोटा होगा, लाइक 1/4 होगा, उससे छोटा और होगा 1/6 हो जाएगा, ठीक है, इस फॉर्म में होगा, ठीक है। ये हमने एक डिफाइन कर लिया फंक्शन अपने से। चलिए, और हम लोग क्या क्लेम कर रहे हैं कि ये दिखाना है कि एफ ऑफ जब एफ वन लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो, और एफ ऑफ एफ टू लेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंगलटन सेट वन। ये भी हमारा एक है प्रायोरिटी दिखाने का। चलिए, तो इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेट दिखा देते हैं, लेट कर लेते हैं कि ए एक एलिमेंट है जो एफ वन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बी एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है एफ वन में, अगर कोई भी पॉइंट है एफ वन में, और हम लोग जानते हैं एफ वन और एफ टू क्या है, डिसजॉइंट है, यानी कि उसका इंटरसेक्शन क्या एफ आई है, तो ये एफ वन में है यानी कि एफ टू में तो नहीं है, इसको लिख सकते हैं ए डज नॉट बिलोंग टू एफ टू, यानी कि, ठीक है। और ये से ये पता लगा सकते हैं कि एफ टू में नहीं है तो किस में है, एफ टू के कॉम्प्लीमेंट में है, एफ टू के कॉम्प्लीमेंट को हमने क्या मान रखा है, जी वन, पहले ही हमने माना था, इसका नाम क्या दिया था, जी वन, ठीक है, यानी कि ए बिलोंग कर रहा है जी वन में, ठीक है। कैसे, क्योंकि हमने यहाँ रीज़न दे दीजिए, सिंस एफ वन और एफ टू का इंटरसेक्शन क्या है, सॉरी इंटरसेक्शन एफ आई, एफ वन का नाम हमने दिया था जी नॉट, और एफ टू का नाम दिया था हमने जी वन, एफ टू का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, ठीक है। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, और एफ वन का क्या हमने नाम दिया था, जी नॉट, तो ए जी नॉट में भी है, ए जी वन में भी है, तो अगर ए जी नॉट में भी है, ए जी वन में भी है, ये इम्प्लाई करता है, क्या इम्प्लाई करता है, यहाँ से देखिए, ए अगर जी वन में भी है, ठीक है, तो जी वन में है तो यानी कि वन तो नहीं देगा, क्योंकि जब नहीं बिलोंग करता तब वन देता, पर क्योंकि बिलोंग करा तो वन तो नहीं देगा, यानी कि किस में है, जी नॉट में है और जी वन में है, ठीक है, यानी कि एक ले लीजिए एक्सिस में है, जी टी में है, और ये एफ एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन टी होना चाहिए। अगर इन दोनों का इनफीमम ले, जीरो और वन का इनफीमम, ठीक है, तो एफ ऑफ ए क्या दे देगा, एक्स की जगह या जो एक्स पुट करे वो किस में बिलोंग कर रहा है, जी टी में, तो यहाँ पे जी टी का काम कौन कर रहा है, जी जीरो जी वन, कौन बिलोंग कर रहा है, ए, तो एफ ऑफ ए लिखेंगे तो वो क्या रिजल्ट देगा, इनफीमम ऑफ टी, जीरो वन का इनफीमम क्या आएगा, ज़ीरो, ठीक है। तो हमने अपने मैपिंग को दिखा दिया कि ठीक है, हम जब भी ए एक लेंगे बिलोंग कर रहा हो वो एफ वन से, तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ एफ वन जब भी निकालेंगे तो सिंगलटन सेट जीरो पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनफीमम ऑफ क्लोज इंटरवल जीरो वन क्या होता है, जीरो, ठीक है। उसी तरह अगेन लेट करेंगे कि बी एक एलिमेंट है, किस में बिलोंग कर रहा है, एफ टू में, बी एनी पॉइंट, तो यानी कि बी किस में बिलोंग नहीं कर रहा है, एफ टू के कॉम्प्लीमेंट में, उसका नाम क्या दिए थे हम लोग, जी वन, जी वन में अगर बिलोंग नहीं कर रहा तो उस मैपिंग का रिजल्ट क्या आएगा, वन, यानी कि एफ ऑफ बी क्या आ जाएगा, वन, अगर वन आ सकता बी अगर बिलोंग कर रहा है, उसी तरह एफ टू के लिए लिख सकते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, सिंगलटन सेट वन। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हमारा लास्ट काम क्या बचा, नाउ वी शैल प्रूफ डैट कि ये जो फंक्शन है, ये जो मैपिंग है, सॉरी, x से लेकर क्लोज इंटरवल 0, 1, वो क्या है, कॉन्टिन्यूस। ये हमारा आखिरी स्टेप बचा है बच्चों, आई नो थोड़ा लेंदी जा रहा है, बट
आप इसको समझ लेंगे तो बहुत ईजी, रटना नहीं पड़ेगा आपको, रटना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। चलिए अगर अब हमें इस मैप को क्या दिखाना है, कंटिन्यूस, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इनवर्स इमेज होगा कोई भी एलिमेंट क्लोज इंटरवल 0-1 का, अगर वो दिखा दे कि वो ओपन किस में है, एक्स में, तो क्या हो जाएगा वो फंक्शन, क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। ये तो बेसिक हमने ओपन सेट में पढ़ा था, कंटिन्यूस फंक्शन का एक प्रॉपर्टीज था ओपन सेट के साथ। ठीक है, कि इस तरह से भी हम कोई भी मैपिंग को या फंक्शन को कंटिन्यूस दिखा सकते हैं, कि अगर कोई भी सेट जो इसमें बिलोंग करा ओपन है, अगर उसका इनवर्स देखें और वो भी इस पे ओपन होगा, यानी कि वो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। चलिए, तो इसी थ्योरम के हेल्प से आपको पास्ट वाला जितना थ्योरम है सबका यूज़ आना है, ठीक है, सबका यूज़ आना है, तो आपको सब कुछ रिकॉल करना है, ऐसा नहीं कि उसको पढ़ ली तो वहीं रह गया, उसका कभी भी यूज़ आ सकता है, आपको माइंड में रखना ये बात, ठीक है। चलिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखिए मेरे साथ, फॉर दिस वी शैल शो डैट कि इनवर्स इमेज ऑफ जो भी बेस एलिमेंट लेंगे किस में, एक्स में, अंडर फंक्शन एफ, वो क्या होगा, आर ओपन इन एक्स, वो क्या होगा, ओपन होगा। देन अब हमें कोई बेस एलिमेंट लेना है आर से, कोई भी इंटरवल लेना, तो एक जनरल इंटरवल ले लेते हैं आर से, मान लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा ले लिया हमने, और क्या ले लिया, बीटा से इन्फिनिटी ले लिया, आर क्या हो गया, बेस एलिमेंट, एक कोई भी ओपन इंटरवल मैंने उठा लिया आर से। अब जैसे हमने पहले किया था, और ये भी डिफाइन कर दीजिए कि अल्फ़ा बीटा कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर आर से ही ले रहे हैं हम लोग। अब क्योंकि इसका हम लोग क्या मैप तो इससे कनेक्टेड दिखाना है, हमने तो कोई भी जनरल इंटरवल ले लिया, अब इसका इंटरसेक्शन दिखा देंगे, जैसे हमने उससे इफ़ एंड ओनली इफ वाले पार्ट में किया था, पार्ट वन में प्रूफ किया था हमने, ठीक है। चलिए अब इंटरसेक्शन कर लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा का इंटरसेक्शन करेंगे क्लोज इंटरवल 0-1 से, तो क्या आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, चलिए अभी इसको रहने देते हैं। दूसरा करेंगे बीटा से इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन करेंगे 0-1 से, तो कुछ रिजल्ट आएगा, वो सब क्या हो जाएगा, बेस एलिमेंट किसका हो जाएगा, आर बेस एलिमेंट, ये सब काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं तो ये नया नहीं है। इंटरवल इंटरसेक्शन किसके, इसका भी इंटरसेक्शन कर देंगे आर से, तो ये तो 0-1 ही आएगा, क्लोज इंटरवल 0-1, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, बेस एलिमेंट हो जाएगा इसका, ठीक है। हमको हम लोग को इसमें दिखाना है, फिर इसके इनवर्स में दिखाना, तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा, इसमें ओपन है तो इसमें भी ओपन है, तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। चलिए, तो पहले हम लोग वो काम कर रहे हैं, क्या क्या आएगा इन दोनों में कॉमन, अल्फ़ा तो हमने एक जनरल ले लिया, मान लेते हैं कि अल्फ़ा अगर सपोज डैट कुछ नहीं तो हाफ होगा, ठीक है, जो हमने पहले भी लिया था हाफ है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, अगर हाफ है तो माइनस इन्फिनिटी से हाफ, और ये है 0 से 1, तो ये क्या क्या आ सकता है, हाफ से क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, सॉरी, तो ये क्या आ सकता है, 0 से लेके हाफ आ सकता है, सिर्फ 0 से लेके हाफ आ सकता है इंटरसेक्शन, यानी कि 0 से यहाँ पे अल्फ़ा लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 से अल्फ़ा, इस तरह से एक जनरल इंटरसेक्शन आ सकता है, अगर अल्फ़ा को हमने हाफ ले लिया, ठीक है, किससे छोटा ले लिया हमने, 1 से छोटा ले लिया, 0 और 1 के बीच में कोई एलिमेंट ले लिया। चलिए, अगर मान लीजिए अल्फ़ा क्या है, माइनस हाफ है, अल्फ़ा क्या है, माइनस हाफ है, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस अल्फ़ा, सॉरी यहाँ माइनस इन्फिनिटी से माइनस अल्फ़ा, ये हो गया 0 से 1, ये तो पॉजिटिव ही रियल लाइन है, ये नेगेटिव जा रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5, तो कुछ नहीं, तो एक रिजल्ट क्या आ सकता है, 5 भी आ सकता है। चलिए, एक और क्या आ सकता है, इसको मैंने अगर ले लिया क्या, 1, अल्फ़ा को चलिए हम मैंने 1 ले लिया, या 1 के बाहर कुछ ले लीजिए, अल्फ़ा को चलिए 1 से ग्रेटर ले लेते, 2 ले लिया, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 2, ये हो गया 0 से 1, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 0 से 1, क्लोज इंटरवल 0-1 ही आएगा। सेम यहाँ पर भी अप्लाई होगा, ठीक है, आप सेम यहाँ पर भी देखेंगे सेम ही रिजल्ट आएगा। जैसे बीटा, बीटा को हमने क्या ले लिया, 0, या चलिए 0 से छोटा ले लेते हैं, माइनस वन से इन्फिनिटी, ये हो गया 0 से 1, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, फिर 0-1, दोनों के बीच में लाइक करेगा, क्लोज इंटरवल 0-1। ये हम लोग अलग अलग ले लेते हैं, ये ले लेते हैं हम लोग सपोज डैट, ये हम लोग ले लेते हैं 2, ठीक है, 1 से ग्रेटर लेते हैं, 2 से इन्फिनिटी, ये 0 से 1, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा, 5। अगर मान लेते हैं बीटा क्या, इन दोनों के बीच में एक नंबर ले लेते हैं हाफ से इन्फिनिटी, और ये है 0 से 1,
तो इसमें तो हाफ है, इसमें भी हाफ है, कहाँ तक जा रहा है, इसमें वन है तो इसमें भी वन है, इसमें क्या आ सकता है, हाफ टू वन आ सकता है। ये भी लिख सकते हैं कि बीटा से वन क्लोज इंटरवल आर, इतने ही रिजल्ट पॉसिबल है, आर बेस एलिमेंट इन क्लोज इंटरवल 0 1। आई होप बच्चों आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ूँ, कुछ क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, और ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर से एक छोटा वीडियो बना दूँगी जहाँ आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाए। अब तो ये जो बेस एलिमेंट था वो क्या था, ओपन है, किस में बिलोंग कर रहा था, क्लोज इंटरवल 0 1 का। ठीक है, बेस एलिमेंट था यानी कि ओपन था। अगर उसका इनवर्स हम दिखा दें कि वो भी ओपन है तो हमारा ये कंटिन्यूस प्रूफ कर देंगे हम लोग, एफ को कर देंगे। ठीक है, तो पहला क्या आया, फाई। जब इसका इनवर्स लेंगे, जब एफ इनवर्स फाई लेंगे तो क्या आता है, फाई। ठीक है, ये तो सॉल्व हो गया। जब एफ इनवर्स लेंगे क्लोज इंटरवल 0 1 का तो क्या आएगा, एफ इनवर्स 0 1 का क्लोज इंटरवल तो एक्स आएगा सेट, जो कि क्या है, ओपन है। ठीक है, वो तो हमारा हमेशा ओपन होता है टोपोलॉजिकल स्पेस। तो एफ इनवर्स जब फाई लेंगे तो आएगा फाई, जो कि है ओपन सेट इन एक्स। ठीक है, फिर लेंगे एफ इनवर्स क्लोज इंटरवल 0 1, वो क्या आएगा, एक्स, जो कि फिर से क्या है, ओपन सेट इन एक्स। ठीक है, वी शैल प्रूफ डैट, अगर हमने दिखा दे कि एफ इनवर्स, दो रिजल्ट और भी तो आया था ना, क्लोज इंटरवल 0 2 अल्फा एंड एफ इनवर्स बीटा 2 1 आर ओपन सेट, ये हमने दिखा दिया। फॉर दिस इट इज इनफ टू शो डैट, इसको ओपन दिखाने के लिए क्या इनफ है हमें दिखाना, ये अगर हम दिखा दें नंबर वन कि एफ इनवर्स क्लोज इंटरवल 0 2 अल्फा अगर इक्वल हो जाए यूनियन ऑफ टी लेस देन अल्फा जी टी के, वेयर टी किस पे बिलोंग कर रहा है, डी में, और नंबर टू एफ इनवर्स बीटा क्लोज इंटरवल 1 ये किस के इक्वल हो जाए, टी ग्रेटर देन बीटा, यूनियन हो जाए जी टी क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन प्रूफ हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये मैम ने क्या लिख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, क्या अगर एफ इनवर्स को क्या दिखाना, ओपन, अगर जी टी हमारा क्या है, ओपन, जब भी हम लोग जी टी का नाम ले रहे हैं वो क्या हो रहा है, ओपन, उसका यूनियन क्या हो जाएगा, ओपन। अगर एफ इनवर्स इसकी यूनियन की इक्वल हो जाए यानी कि ये भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, हमने ये क्रिएट किया कि इसके भी यूनियन की इक्वल लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब एक फॉर्मेट लिया है हमने, ये जो टी लिया है वो हमेशा क्या होना चाहिए, अल्फ़ा से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये जो अल्फ़ा है उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये जो यहाँ पे बीटा है, टी हमेशा उससे बड़ा होना चाहिए। चलिए देखते इसको समझते हैं, एक एक करके समझते हैं, आपको समझ आते जाएगा, उतना पैनिक नहीं करना। ठीक है, बातों को चलिए पहले प्रूफ करते हैं वन। मान लेते हैं आप किसी भी चीज़ को इक्वल दिखाना है सेट को, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले दिखाएंगे एफ इनवर्स जो है इस यूनियन का सबसेट है, और फिर दिखाएंगे इस यूनियन का, ये यूनियन जो है ये एफ इनवर्स का सबसेट है, दोनों एक दूसरे का सबसेट है, यानी कि दोनों इक्वल है। ठीक है, बहुत ही बेसिक है, हमने ये सेट वाले चैप्टर में पढ़ा था, 11 या 12 में हमने पढ़ा था। ठीक है, उसी का इस्तेमाल करेंगे। वन को प्रूफ कर रही हूँ मैं, सबसे पहले एक एलिमेंट उठा लेंगे जो कि बिलोंग कर रहा हो किस में, एफ इनवर्स क्लोज इंटरवल 0 अल्फा ओपन इंटरवल, ये सेमी ओपन हो गया। ठीक है, कोई क्या है, पॉइंट है, एनी पॉइंट जो कि एक्स इस पे बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स इस में बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 अल्फा पे, यानी कि हम लिख सकते हैं एफ एक्स अगर इस पे बिलोंग कर रहा है, हमारा कहाँ तक इंटरवल है, अल्फ़ा तक, मतलब अल्फ़ा इसमें है भी नहीं, तो एफ एक्स क्या होगा, हमेशा किससे छोटा होगा, अल्फ़ा से तो छोटा ही रहेगा क्योंकि इसी में बिलोंग करे, यानी कि अल्फ़ा से छोटा होगा, इक्वल भी नहीं होगा। ठीक है, सिंस हम लोग जानते हैं जो डी है, डी क्या चीज़ का सेट था, मैंने पढ़ाया था अभी कुछ देर पहले, डी क्या था, डायडिक इंटरवल का सेट था। ठीक है, जो किस फॉर्म में होता है, एल अपॉन 2 to the power m, तो डी क्या है, डी इज डेंस
है क्लोज इंटरवल 0-1 में, यानी कि डी का क्लोजर इक्वल्स टू जो डायडिक इंटरवल का क्लोजर लेंगे क्लोज इंटरवल 0-1 की इक्वल होगा। और हम यहाँ देख रहे हैं एफ एक्स भी किस में बिलोंग कर रहा है, जो हम लोग एफ एक्स फंक्शन निकाल रहे हैं कहाँ से निकाल रहे हैं, एक्स टू क्लोज इंटरवल 0-1, यानी कि कहीं ना कहीं ये इसी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इस पर बिलोंग कर रहा है, यानी कि लिख सकते हैं एफ एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, डी के क्लोजर में, कि डी का क्लोजर तो इससे इक्वल है, इस पर बिलोंग कर रहा है, यानी कि लिख सकते हैं एफ एक्स बिलोंग्स टू डी क्लोजर, है ना। देयरफोर अगर ये क्लोजर इस पर बिलोंग कर रहा है, ये एफ एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ये सिंबल किसका, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट एक टी बिलोंग करेगा, एक कोई भी टी मिलेगा किस से, सेट डायडिक से बिलोंग करेगा टी से, इस तरह से सच डैट कि एफ एक्स क्या होगा, टी से छोटा होगा, और टी किससे छोटा होगा, इस अल्फ़ा से छोटा होगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक टी मिलेगा जो कि एफ एक्स उससे छोटा होगा और टी अल्फ़ा से छोटा होगा, यानी कि एफ एक्स किससे छोटा हो जाएगा, अल्टीमेटली टी से छोटा हो जाएगा, और वेयर टी इज लेस देन अल्फ़ा, तो हम लोग लिख सकते हैं अगर एक्स बिलोंग कर रहा है जी टी पे, ठीक है, वेयर टी इज लेस देन अल्फ़ा, दिस मीन्स एक्स बिलोंग्स टू यूनियन टी लेस देन अल्फ़ा जी टी। हमने एक एक्स क्या ले लिया कि एफ इनवर्स इस पे एक बिलोंग कर रहा है, ठीक है, फिर मैंने दिखा दिया कि एफ एक्स किस पे बिलोंग कर रहा है, एफ एक्स किससे छोटा हो जाएगा, टी लेस देन अल्फ़ा, तो यानी कि कोई भी एक्स है एक जी टी पे बिलोंग कर रहा है, ये जो एक्स कहाँ से आ रहा है हमारा, जी टी से आ रहा है, कोई भी जी टी से आ रहा है, और हमारा टी लेस देन अल्फ़ा है, ठीक है, तो यानी कि उसकी यूनियन में भी होगा, किसी एक जी टी में होगा, यानी कि पूरे यूनियन में भी वो एक्स होगा, ठीक है, ये तो हमने दिखा दिया एक बार। ये क्या इम्प्लाई करता है कि एफ इनवर्स जब लेंगे जीरो से अल्फ़ा, क्योंकि सबसेट होगा यूनियन टी लेस देन अल्फ़ा जी टी का, तो ये तो सबसेट हो जाएगा उसका। अब इसका कन्वर्स लेंगे, कन्वर्सली लेट कर लेंगे एक वाई एलिमेंट है जो कि यूनियन टी लेस देन अल्फ़ा जी टी में बिलोंग कर रहा है, यानी कि वाई किसी एक जी टी में तो एटलीस्ट कर ही रहा होगा, एटलीस्ट वन जी टी जिसमें टी क्या हो, लेस देन अल्फ़ा हो, तो हम कह सकते हैं कि y बिलोंग्स टू कोई भी एक, मान लीजिए जी टी में तो जी टी वन हमने नाम दे दिया, चलिए जी टी वन में बिलोंग कर रहा है जिसमें टी वन क्या है, अल्फ़ा से छोटा है, ये इम्प्लाई कर रहा है कि एफ वाई किस में बिलोंग कर रहा है, एफ वाई किससे छोटा है, टी वन से छोटा है, यानी कि टी वन किससे छोटा है, अल्फ़ा से छोटा है, यानी कि एफ वाई किससे छोटा है, अल्फ़ा से छोटा है, एफ वाई किस में तब बिलोंग करेगा, जीरो से अल्फ़ा में बिलोंग करेगा, यानी कि वाई किस में बिलोंग करेगा, एफ इनवर्स क्लोज इंटरवल जीरो से अल्फ़ा। जस्ट मैंने सब कुछ अपोजिट लिख दिया है, कन्वर्स प्रूफ करना बहुत अपोजिट है, जस्ट उल्टा ऐसे चले जाइए, जहाँ से शुरू किए थे वहाँ से ऐसे उल्टा चले जाइए, आपका प्रूफ हो जाएगा, यानी कि हमें पता चला दिस इम्प्लाई यूनियन टी लेस देन अल्फ़ा जी टी किसका सबसेट हो जाएगा, एफ इनवर्स क्लोज इंटरवल जीरो अल्फ़ा, तो यानी कि इन दोनों रिजल्ट से स्टार और डबल स्टार से हमने क्या किया, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार वी गेट व्हाट, कि एफ इनवर्स जब निकालेंगे क्लोज इंटरवल जीरो अल्फ़ा का, वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा यूनियन टी लेस देन अल्फ़ा जी टी के, ठीक है, इस रिज़ल्ट को रखेंगे, इस रिज़ल्ट को कुछ नाम दे दीजिए, वन दे दीजिए, उसी तरह से हमने टू के लिए दिखाना है, इसको इसका सबसेट, इसको इसका सबसेट, बोथ इक्वल हो जाएगा। चलिए समझते कैसे, प्रूफ किसका हो जाएगा, ये टू वाले का, ठीक है, लेट कर लेंगे कि एक्स एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है किस में, ओपन इंटरवल बीटा वन क्लोज इंटरवल बी एनी पॉइंट, एक्स कोई पॉइंट है उसमें, ठीक है, अगर एक्स कोई पॉइंट है तो एफ एक्स बिलोंग कर सकता है बीटा वन पे, यानी कि वो बीटा से तो बड़ा होगा क्योंकि बीटा सबसे छोटा है, यानी कि एफ एक्स जो बीटा होगा, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, चलिए ऐसे ही लिख देते हैं, एफ एक्स किससे बड़ा होगा, बीटा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, जैसे हमने पहले भी रिजल्ट बताया, आप उसको थोड़ा लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, डी क्लोजर किसके इक्वल है, क्लोज इंटरवल 0-1 के, और एफ एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, कहीं ना कहीं क्लोज इंटरवल 0-1 में काम कर रहे हैं हम लोग सारा, तो एफ एक्स किस में बिलोंग कर जाएगा, डी के क्लोजर में,
क्लोजर में बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ पे एक हमें फिर से एक टी वन टी टू ले लीजिए, दो टी वन टी टू मिलेगा किससे, डायडिक इंटरवल डी से, इस तरह से कि एफ एक्स किससे बड़ा होगा, टी वन से, टी वन किससे बड़ा होगा, टी टू से, टी टू किससे बड़ा होगा, बीटा से, ठीक है। देन अब मैंने सेम चीज़ कर रही हूँ तो उतना मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इसको, अगर कोई क्वेरी होगी प्लीज़ आप पूछिएगा, मैं फिर से बताने के लिए रेडी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स ग्रेटर किससे है, टी वन से, यहाँ से आपको पता चल ही जा रहा है। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि एफ एक्स टी वन से ग्रेटर, यानी कि वो ना उससे छोटा और इक्वल, दोनों नहीं है टी वन से, ना कि छोटा है ना ही इक्वल है, ठीक है। यानी कि एक्स बिलोंग कर रहा है जी टी वन में। यहाँ पे हमने एक लाइन पढ़ा था जब हम लोग एक मैपिंग डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पे मैंने पढ़ा था एक्स जी टी में तभी बिलोंग करेगा इफ़ एंड ओनली अगर एफ एक्स जो आएगा वो टी से छोटा हो या इक्वल हो, या बोल सकते हैं एफ एक्स जब टी से छोटा इक्वल तभी होगा जब एक्स जी टी में बिलोंग करेगा, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ लिख रही हूँ, जब अगर एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू टी वन है तो एक्स किस पे बिलोंग कर रहा है, जी टी वन में, इफ एंड ओनली इफ था, ठीक है। उसी तरह से मैंने इसके पहले भी लिखा था, यहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया था कि x अगर एफ एक्स लेस देन टी हो जा रहा है, इसे हमने क्या पता था, x जी टी में बिलोंग कर रहा है, अगर एक जी टी में कर रहा है तो उसकी यूनियन में भी होगा, ठीक है, रीज़न पता चल गया ना, यहाँ से मैंने लिखा है। चलिए तो इस तरह से लिख सकते हैं कि x जी टी वन में था, यहाँ आप लिख सकते हैं सिंस एफ एक्स लेस देन टी वन इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू जी टी वन, रीज़न भी लिख सकते हैं सो डैट आपको रिमाइंडर में याद रहे पढ़ते वक्त, ठीक है। जब आप रिवीजन कर रहे हो आपको पता रहे कैसे हमने लिखा, बट हमें क्या पता है यहाँ पे टी टू किससे छोटा, टी वन से, यहाँ दिख रहा है टी टू छोटा हमने लिया है टी वन से, ये इम्प्लाई करता है अगर जी क्लोजर टी टू सबसेट हो जाएगा जी टी वन का, ये हमने पहले भी पढ़ा है, आर और एम से मैंने बताया था, आर और एम ले ले दो डायडिक इंटरवल ले रहे अलग अलग, ठीक है, वो छोटा है यानी कि वो पहले होगा, वो सबसेट हो जाएगा इसका T1 का, तो जी टी टू का जो क्लोजर होगा वो सबसेट हो जाएगा जी टी वन का, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। और हमने यहाँ देखा कि x बिलोंग कर रहा है जी टी वन में, टी वन बिलोंग कर रहा है यानी कि x बिलोंग नहीं कर रहा किस में, जी टू के क्लोजर के क्लोज़र में, यानी कि जी टी वन में बिलोंग कर रहा है x, ठीक है, लेकिन जी टू में नहीं कर रहा है, यानी कि x किस में बिलोंग कर रहा है, जी टू के क्लोज़र के कॉम्प्लीमेंट में कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे टी टू क्या है, बीटा से क्या है, बड़ा है, टी टू क्या है, बीटा से बड़ा है, दिस इम्प्लाई एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ टी जो कि बीटा से बड़ा है जी टी क्लोज़र कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब जो एफ इनवर्स है बीटा क्लोज इंटरवल वन वो सबसेट हो जाएगा यूनियन टी ग्रेटर देन बीटा जी टी का क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको फिर से एक नंबर दे दीजिए, स्टार डैश दे दीजिए, कन्वर्स अब प्रूफ करना है इसका, कन्वर्सली मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा नहीं क्योंकि लेंदी हो जाएगा, अगर वाई इसमें अब बिलोंग करा आप उल्टा लिखेंगे टी ग्रेटर देन बीटा जी टी क्लोजर कॉम्प्लीमेंट, अब वाई यानी कि किसी एटलीस्ट किसी एक जी टी क्लोज़र के कॉम्प्लीमेंट में करेगा जिसके लिए टी क्या होगा ग्रेटर देन बीटा होगा। मान लीजिए वाई बिलोंग कर रहा है जी टी थ्री में, नाम दे देते हैं जी टी थ्री में कर रहा है, टी थ्री क्या है बीटा से बड़ा है, यानी कि वाई बिलोंग किस में नहीं कर रहा है, जी टी थ्री के क्लोज़र में, कि कॉम्प्लीमेंट में है तो उसके क्लोज़र में नॉर्मल तो नहीं होगा, टी थ्री हमेशा क्या है बीटा से बड़ा है, ये इम्प्लाई करता है वाई बिलोंग नहीं कर रहा जी थ्री में, क्लोज़र में नहीं कर रहा तो जी टी थ्री में कहाँ कहाँ से करेगा क्योंकि उसका सुपर सेट होता है, तो टी थ्री क्या है बीटा है, यानी कि एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा ले मतलब छोटा ना होगा ना ही इक्वल होगा किसके टी थ्री के, और टी थ्री क्या है बीटा से बड़ा है, तो एफ आई यानी छोटा नहीं है इक्वल नहीं है टी थ्री के, यानी कि एफ आई क्या है बीटा से टी थ्री से बड़ा है, और टी थ्री बीटा से बड़ा है ये इम्प्लाई कर रहा है, सॉरी यहाँ को दिख नहीं रहा, सॉरी सॉरी, यहाँ एफ आई क्या है बीटा से बड़ा है, तो एफ आई कहाँ बिलोंग कर रहा है यानी कि बीटा से लेके वन, यानी बीटा से बड़ा आ रहा है बीटा से लेके वहाँ तक, कहाँ तक वन तक, यानी कि वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है एफ इनवर्स बीटा क्लोज इंटरवल जीरो वन, यानी कि वाई अगर इसमें बिलोंग कर रहा है यानी कि टी ग्रेटर देन बीटा जी टी
का क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाएगा एफ इनवर्स बीटा क्लोज इंटरवल 0-1। इसको नाम दे देते क्या, डबल स्टार डैश। तो फ्रॉम स्टार डैश एंड डबल स्टार डैश हमें क्या मिल गया कि एफ इनवर्स बीटा क्लोज इंटरवल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, टी ग्रेटर देन बीटा जी टी का क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने दिखा दिया, अगर ये दोनों इक्वल है ये, और दूसरा रिजल्ट हमने क्या दिखाया था इसके पहले जो हमने दिखाया था 1 वाला, ये दोनों अगर हमने प्रूफ कर दिया, यानी कि ये क्या था ओपन, ओपन का यूनियन क्या होता है ओपन, तो ये एफ इनवर्स क्या हो जाएगा ओपन, एफ इनवर्स ओपन हो जाएगा तो एफ भी क्या हो जाएगा ओपन। चलिए आगे लिखते हैं, अब लास्ट है बस 2 मिनट और। तो नाउ जो जी टी है और जी टी का जो क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट, क्लोजर का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ओपन हो जाएगा ना, तो आर ओपन है किस में, एक्स में। ये इम्प्लाई कर रहा है कि यूनियन जो होगा टी लेस देन अल्फ़ा जी टी, तो उसका जो यूनियन होगा वो भी क्या हो जाएगा, क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट वो भी क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा एक्स में। ये क्या किसके इक्वल है, एफ इनवर्स क्लोज इंटरवल 0 to अल्फ़ा एंड एफ इनवर्स बीटा क्लोज इंटरवल 1, ये भी क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा एक्स में। ये क्या इम्प्लाई करेगा कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन 0 1 में जो भी इनवर्स इमेज होगा इज वो क्या होगा ओपन होगा किस में, एक्स में ओपन होगा। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, एफ जो मैपिंग लिए एक्स से क्लोज इंटरवल 0 1 वो क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा। हैंस क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल जितने भी डिसजॉइंट क्लोज्ड सबसेट है, लाइक यहाँ हमने लिया था एफ वन एंड एफ टू कहाँ पे एक्स पे, उसके लिए एक कंटिन्यूस फंक्शन स्मॉल एफ एग्जिस्ट करेगा जो कि इस तरह से होगा एक्स से लेके क्लोज इंटरवल 0 1 सच डैट एफ ऑफ एफ वन लेंगे तो किस पे जाएगा 0 पे और एफ ऑफ एफ टू लेंगे तो वो जाएगा 1 पे। ये हमने क्या कर दिया है प्रूफ, तो हमारा यूरेसेंस लेम्मा प्रूफ हो जाता है यहाँ पे। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।